गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे दो टमाटर और चार से पांच मिर्च, हरी मिर्च और प्याज, और इस पे मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन और ये गोभी, आलू और मटर रखे हुए हैं मैंने। तो ये मैंने सारी चीज़ तैयार की करके रखी हुई है और मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। तो सारी प्रिपरेशन हो रखी है मेरी ना। तो गाइस मैंने लहसुन और अदरक कूट लिया, इसका पेस्ट बना लिया है और कुकर चढ़ा के इसमें तेल डाल दिया। मैं जीरा डाल रही हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जीरा डाल दिया। मैं थोड़ा सा हींग डालूँगी और बाकी सारी चीज़ें ऐड करूँगी बाद में। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, हींग डाल दिया था मैंने, फिर मैंने ऊपर से प्याज डाल दिया क्योंकि जीरा तो ब्राउन हो गया था ना। प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें से ऐड करूँगी। फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने अभी कूट के बनाया था। तो गाइस प्याज हल्के से ब्राउन हो गए थे, मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। तो अभी थोड़ा सा ही भून जाएगा तो फिर ऐड कर दूँगी इसमें टमाटर। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। मैंने एक गिलास चावल लिए, वो धोधा के साफ कर लिए, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो गाइज मैंने इसमें चावल ऐड कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हो। तो गाइज मैंने मार दिया इस पर ढक्कन, ये बन के तैयार हो जाएगी, मैं आपको तब दिखाऊंगी। तो गाइज मेरा पुलाव हो गया रेडी, अब मैं इसे थाली में निकालती हूँ। कितना यमी और टेस्टी बन के रेडी हो गया है, खिले खिले से।